हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकोलॉजी का बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर। तो आप चाहें तो इस वीडियो को देखकर मिनटों में पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं, या अगर नोट से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और इवन हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको डाउनलोड करने के लिए PDF मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। और पहली बार अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, तो हमारे लिविंग वर्ल्ड में किसी भी लेवल पर अगर हमें वैरायटी दिखती है, इसको हम बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं, चाहे वो एक बायोमोलिक्यूल के लेवल पे हो या पूरे के पूरे बायोम के लेवल पे। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली ये है, जिसमें से सवाल आ सकता है कि बायोडाइवर्सिटी टर्म को पॉपुलराइज किसने किया था। तो इसके लिए एडवर्ड विल्सन का नाम हम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सवाल पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ये कई लेवल्स पे हो सकता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी अगर हम बोल रहे हैं, यानी एक ही स्पीशीज के मेंबर्स में आपस में कितनी वैरायटी है, कितनी वेरिएशन है, इसकी बात कर रहे हैं, जिसमें राउवुल्फिया वोमिटोरिया प्लांट का एग्जाम्पल दिया जाता है। और सबसे कॉमन एग्जाम्पल तो यही है कि राइस, देखो स्पीशीज तो एक ही है लेकिन 50,000 अलग अलग तरह का चावल हमें मिलता है। उसी तरह से मैंगो में भी 1,000 से ऊपर वेरायटी पाई जाती है। स्पीशीज के लेवल पर अगर डाइवर्सिटी की बात करें तो ये भी जगह टू जगह वेरी करता है। वेस्टर्न घाट्स में जितनी अलग अलग तरह की स्पीशीज है, ईस्टर्न घाट्स में उतनी ज्यादा नहीं है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी से हमारा मतलब है कि कितने डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम्स हैं, कितने अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं। अपनी ही कंट्री में हम देखें, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव, कोरल रीफ, कितने डिफरेंट टाइप के हैबिटेट हमें मिल रहे हैं। अच्छा, अर्थ पे अगर हम टोटल डाइवर्सिटी का अंदाजा लगाना चाहें तो ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ इतना हम जानते हैं कि IUCN ने 2004 में हमें बताया है कि फिलहाल हम केवल 1.5 मिलियन स्पीशीज के बारे में जानते हैं, इनको पहचान चुके हैं। लेकिन रॉबर्ट मे ने ऐसा एस्टिमेट लगाया है कि हमारी अर्थ पे 7 मिलियन स्पीशीज हो सकती हैं, यानी सोचिए टोटल 70 लाख स्पीशीज होंगे और उसमें से केवल 15 लाख के बारे में फिलहाल हमें पता है। इसमें भी बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन सभी टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स में बराबर नहीं होता है। जैसे कि अगर आप एनिमल्स में देखो तो 70% तो इंसेक्ट ही इंसेक्ट है। इंसेक्ट की बायोडाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि 10 एनिमल्स में से 7 इंसेक्ट है। उसी तरह से एनिमल और प्लांट को अगर कंपेयर करोगे तो एनिमल्स की बायोडाइवर्सिटी हमेशा कहीं ज्यादा होती है। प्लांट्स और फंजाई को इकट्ठे भी रख दो तो एनिमल्स की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे बुक में हम देखते हैं पाई चार्ट के रूप में डिफरेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स में बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया। इनवर्टिब्रेट्स में देखो इंसेक्ट्स ने पूरी जगह घेर रखी है, इतना बड़ा एरिया घेर रखा है, बाकी सब एक तरफ छोटी सी जगह में हो गए। उसी तरह से वर्टिब्रेट्स में अगर कंपेयर करोगे, फिशेस की डाइवर्सिटी ज्यादा है, फिर बाकी एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल सब एक तरफ हैं। और प्लांट्स के केस में फंजाई ने सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा घेर रखा है, यानी फंजाई की स्पीशीज सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो अगर अपनी कंट्री का बायोडाइवर्सिटी में हम कॉन्ट्रीब्यूशन देखें, काफी हाई है। इंडिया का टोटल लैंड एरिया दुनिया के लैंड एरिया का केवल 2.4% है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी का शेयर 8% से ऊपर है। तो जितना लैंड एरिया है उसके कंपैरिजन में बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए दुनिया में 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज हैं, अपनी कंट्री की गिनती भी उसमें होती है, जहाँ पर नियरली 45,000 प्लांट स्पीशीज हैं और इससे डबल एनिमल स्पीशीज हैं, ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है। रॉबर्ट मे के एस्टिमेट के हिसाब से चले तो 1 लाख प्लांट स्पीशीज और 3 लाख एनिमल स्पीशीज इंडिया में होंगे। अच्छा, अगर हम प्रोकैरियोटिक स्पीशीज की बात करते हैं तो इनके बारे में अंदाजा लगाना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कई सारी स्पीशीज को हम लेबोरेटरी में उगा नहीं पाते हैं, कल्चर नहीं कर पाते हैं, और अगर कल्चर कर भी लें तो इनकी स्पीशीज के बीच में डिस्टिंग्विश करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए जितनी भी स्पीशीज डाइवर्सिटी की हम बात करेंगे, बैक्टीरिया को, प्रोकैरियोटिक स्पीशीज को एक तरफ हटा के बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बिल्कुल भी इवन नहीं होता। हम ऐसे नहीं कह सकते कि पूरी अर्थ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी यूनिफॉर्मली फैली हुई है, कुछ पैटर्न्स हैं उसी के हिसाब से बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पहला है अपना लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट का सिंपल सा मतलब समझ लीजिए कि अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो बायोडाइवर्सिटी हमेशा घटेगी, यानी पोल्स से इक्वेटर की तरफ ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा, पोल्स पे सबसे कम। यही बोला हुआ है, स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। जो हमारे ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है, इक्वेटर के आसपास की जगह है, उसमें सबसे ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी हमें मिलेगी।
टेम्परेट एरियाज और पोलर एरियाज के कंपैरिजन में कई ज़्यादा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इक्वेटर के पास में जो कंट्री है वहाँ पर बर्ड्स की 1400 स्पीशीज हमें मिली। इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में है तो चलो 1200 से ऊपर स्पीशीज हैं। जैसे जैसे पोल्स की तरफ बढ़ेंगे नंबर ऑफ स्पीशीज कम होता चला गया। इक्वेडोर में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वहाँ पर प्लांट स्पीशीज यूएसए के मिडवेस्ट से अगर कंपेयर करें, टेम्परेट रीजन से कंपेयर करें तो कई ज़्यादा होंगी, 10 गुना ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है, ऐसा एग्जाम्पल दे रखा है। अच्छा, ट्रॉपिक्स में बायोडाइवर्सिटी का इतना हाई लेवल होने के कुछ कारण है क्यों? वहाँ देखते हैं हम कि ज़्यादा स्पीशीज हमें मिलती हैं। दो तीन रीज़न है। एक तो ट्रॉपिक्स काफ़ी समय तक अनडिस्टर्ब रहे, वहाँ पर कोई ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस या कोई ड्रास्टिक फेनोमेना हमने नहीं देखा, तो ऑर्गेनिजम्स को फ्लरिश करने का, इवॉल्व करने का ज़्यादा टाइम मिला, एवोल्यूशनरी टाइम मिला। वहाँ पर एनवायरनमेंट थोड़ी कांस्टेंट रहती है, ज़्यादा सीजनल फ्लक्चुएशंस नहीं आते बहुत ज़्यादा, और खूब सारी सनलाइट और मॉइस्चर भी अवेलेबल रहता है जिससे ऑर्गेनिजम्स का थ्राइव करना आसान है। अच्छा, अगर हम सबसे हाई बायोडाइवर्सिटी वाले रीजन की बात करें तो याद रखेंगे कि हमारा जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील में, ज़्यादातर एरिया ब्राज़ील के ही अंडर है, इसमें अर्थ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। और कितनी बायोडाइवर्सिटी है उसकी फिगर्स यहाँ पर हमें दी हुई हैं। प्लांट्स, फिशेस, बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबियंस, इनवर्टिब्रेट्स, सभी की बहुत सी अलग अलग स्पीशीज पाई जाती हैं। अच्छा, अगर हम बायोडाइवर्सिटी के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप भी हमको देखना होगा। यानी अगर हम एक गिवन एरिया में स्पीशीज रिचनेस देखें और एरिया को बढ़ाते जाएं तो स्पीशीज रिचनेस किस हिसाब से बढ़ेगी? तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट नाम के एक नेचुरलिस्ट ने हमें साउथ अमेरिकन जंगल्स में एक्सप्लोर करने के बाद ये बात बताई कि अगर हम एक ग्राफ बनाए स्पीशीज रिचनेस और ऑब्जर्व्ड एरिया को लेकर तो हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा। तो देखिए इस तरीके से हमारे ग्राफ में हमें नजर आ रहा है, यहाँ पर हमने स्पीशीज रिचनेस, यहाँ पर एरिया लिया, तो इस तरह की शेप ग्राफ की मिल गई और ये हमारी इक्वेशन हो गई, जहाँ पर एस हमारा स्पीशीज रिचनेस, ए एरिया है, सी वाई इंटरसेप्ट है और जेड रिग्रेशन को एफिशियंट मान के चले। तो इस इक्वेशन के हिसाब से स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर सकते हैं और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमें मिल जाएगा। इन्हीं वैल्यूज को अगर हम लॉग स्केल पे ले लें तो सीधी लाइन अपीयर हो जाएगी और अपने पास इक्वेशन आ जाएगी इस तरीके से, लॉग एस इक्वल्स लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। तो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए, उनको आपस में कंपेयर करने के लिए, प्लॉट करने के लिए ये अपनी इक्वेशन हो जाती है। और इसको प्लॉट करने का फायदा ये है कि हमें एक पैटर्न देखने को मिला कि जेड की वैल्यू जो है वो एक ही रेंज में आती है, 0.1 से 0.2 के बीच में रहती है। तो अगर बहुत बड़ा एरिया लेंगे तो ये वैल्यू चेंज होगी, लेकिन अदरवाइज ये वैल्यू इसी रेंज में बनी रहेगी, 0.1 से 0.2 के बीच में बनी रहेगी। तो अगर बहुत बड़ा एरिया लेंगे ये वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, 1.2 तक भी चली जाती है, अदरवाइज ये यहाँ पर यूनिफॉर्म बना रहेगा कि 0.1 से 0.2 के बीच में है। ठीक है, कितनी बायोडाइवर्सिटी है इसकी तो हमने बात कर ली, लेकिन इस बायोडाइवर्सिटी का फायदा क्या है, इसको पकड़कर इतनी क्यों पढ़ाई हम कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी की क्या वैल्यू है? ये हमें डेविड टिलमैन के एक्सपेरिमेंट से पता लगता है कि एक ऐसा प्लॉट, एक ऐसा एरिया जिसमें ज़्यादा स्पीशीज है उसमें फ्लक्चुएशन कम आएगा बायोमास में, प्रोडक्टिविटी में, ईयर टू ईयर वेरिएशन हमें कम देखने को मिलेगा, यानी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ज़्यादा डाइवर्सिटी से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, और बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए ही पॉल एल्रिक ने रिविट पॉपर हाइपोथेसिस हमें दिया हुआ है, जिसमें वो एक एरोप्लेन का एग्जांपल लेके समझाते हैं कि क्यों हर एक स्पीशीज की अपनी वैल्यू है। जैसे इन्होंने एनालॉजी ली, पॉल एल्रिक का नाम भी हमें याद रखना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रिविट पॉपर हाइपोथेसिस इन्होंने दिया है। इन्होंने एनालॉजी ली कि अगर बहुत सारे नट बोल्ट से एक प्लेन जुड़ा हुआ है और हर एक पैसेंजर एक एक पेच वहां से निकाल के ले जाने लगे तो धीरे धीरे प्लेन जगमगाने लगेगा, उसी तरह से सारी स्पीशीज से इकोसिस्टम बनता है, कम्युनिटी बनती है, और अगर वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगे, एक्सटिंक्ट होने लगे, तो ऐसे करके धीरे धीरे हमारा पूरा इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, जैसे एरोप्लेन धीरे धीरे पेच निकालने पे अनस्टेबल होता चला जाएगा वैसे ही। तो इस एनालॉजी को यूज़ करते हुए इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि हर एक स्पीशीज की अपनी वैल्यू है, चाहे हमें उसका इतना सिग्निफिकेंट वैल्यू ना नज़र आ रहा हो या हमारे लिए वो उतनी यूजफुल ना हो, फिर भी अपनी कम्युनिटी में कोई ना कोई रोल ज़रूर वो प्ले करती है। ठीक है, अब ये तो हम जानते हैं कि आजकल हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण
तेज़ी से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है और ये लॉस कितना ज़्यादा अलार्मिंग है ये बताने के लिए आपको यहाँ पर IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार बताया गया है कि पिछले 500 सालों में 784 स्पीशीज़ पूरी तरह से अर्थ से गायब हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जिसमें देखिए 338 वर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स, 87 प्लांट्स इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। इन एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ के एग्जांपल्स भी हम ज़रा याद रखेंगे, मॉरिशस का डोडो, अफ्रीका का क्वैगा, ऑस्ट्रेलिया का थाइलसिन, रशिया की स्टेलर सीकाओ और टाइगर की भी 3 सब स्पीशीज इन्हीं एक्सटिंक्ट स्पीशीज में शामिल हैं और पिछले 20 सालों में ही 27 और स्पीशीज गायब हो गई हैं। बाकी अगर फिलहाल की बात करें कुछ स्पीशीज बची भी हैं लेकिन उनकी पॉपुलेशन इतनी बुरी तरह डिक्लाइन हो चुकी है कि 15,500 स्पीशीज आने वाले टाइम में एक्सटिंक्शन का थ्रेट फेस कर सकती हैं और टोटल में से 12% बर्ड्स, 23% मैमल्स, 32% एम्फीबियंस, 31% जिम्नोस्पर्म्स एक्सटिंक्शन का थ्रेट फेस कर रहे हैं, यानी उनकी पॉपुलेशन कम हुई है। तो ओवरऑल कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा कौन अफेक्टेड हुआ है, कौन ज़्यादा फेस कर रहा है थ्रेट, एम्फीबियंस फेस कर रहे हैं। अच्छा, ऐसी एक्सटिंक्शंस पहले भी हो चुकी हैं, जैसे हम जानते हैं कि डायनासोर भी गायब हो गए थे, तो ह्यूमन बींग्स को हम इसके लिए ब्लेम क्यों कर रहे हैं? इसीलिए क्योंकि अभी जो एक्सटिंक्शन का रेट चल रहा है वो पहले जो भी एक्सटिंक्शंस हुई हैं उसके कंपैरिजन में 100 से 1000 गुना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटेड है, बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 100 सालों में अर्थ की 50% बायोडाइवर्सिटी गायब हो जाएगी। तो क्या क्या होता है बायोडाइवर्सिटी के कम होने से? प्लांट प्रोडक्शन घट जाएगा, एनवायरनमेंट में ज़्यादा डिस्टर्बेंसेज आएंगी, इकोसिस्टम प्रोसेसेस सारी डिस्टर्ब हो जाएंगी, प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, सारी ही साइकिल्स बिगड़ जाएंगी। तो बायोडाइवर्सिटी के लॉस के अगर हम रीजंस की बात करें इसमें 4 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे बड़ी चीज़ है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ईवल क्वार्टेट इसको हम कहते हैं, 4 मेन रीजंस जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को हम खो रहे हैं। सबसे पहला है हैबिटेट का लॉस, यानी जो हम हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं या उसको टुकड़ों में बांट रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अर्थ का 14% एरिया कवर करते थे, अब केवल 6% एरिया रह गया है, बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रही है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट को काटा जा रहा है और इसीलिए इस तरह के हैबिटेट के डिस्ट्रक्शन से, फ्रेगमेंटेशन से या इवन डिग्रेडेशन से एनिमल्स और प्लांट्स बहुत बैडली अफेक्टेड होते हैं। दूसरा पॉइंट आ जाता है अपने पास ओवर एक्सप्लॉयटेशन का। ओवर एक्सप्लॉयटेशन हमारा दूसरे नंबर का रीज़न हो गया। इसमें मतलब हमारा कि हमने किसी स्पीशीज को जुडिशियसली यूज़ करने के बजाय लगातार उसको अपने मतलब के लिए यूज़ किया और इसी कारण से हमारे स्टेलर सीकाओ और पैसेंजर पिजन जैसे एनिमल्स आज एक्सटिंक्ट हैं। एलियन स्पीशीज इन्वेजन, यानी अचानक से हमने किसी दूसरे हैबिटेट से लाकर एक नए इकोसिस्टम में किसी स्पीशीज को इंट्रोड्यूस कर दिया, या तो गलती से या जानबूझ के, और फिर उस स्पीशीज ने वहाँ रहने वाले नेटिव स्पीशीज को नुकसान पहुँचाना चालू कर दिया। तो ये हमारा अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका एग्जाम्पल है नाइल पर्च, जिसने लेक विक्टोरिया में आके वहाँ जो पहले से ही रहती थी स्पीशीज फिश की, उनकी पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचा दिया। इसके बाद पार्थीनियम और लेंटेना इकॉर्निया, इस तरह के इन्वेजिव वीड्स भी नए इकोसिस्टम में आके बड़े तेज़ी से बढ़ते हैं, बाकी नेटिव स्पीशीज की पॉपुलेशन को हार्म करते हैं। और अफ्रीकन कैटफिश भी हमारी रिवर्स में आके हमारी नेटिव कैटफिशेस को नुकसान पहुंचा चुकी है। तो ये सब इन्वेजिव एलियन स्पीशीज के एग्जाम्पल हैं। और इसके अलावा अपने पास पॉइंट आ जाता है को एक्सटिंक्शन का, क्योंकि सारी स्पीशीज आपस में कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं और अगर एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है तो उसके साथ क्लोजली एसोसिएटेड बाकी स्पीशीज भी वाइप आउट हो जाएंगी धीरे धीरे, उनका भी रहना मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि हम देखते हैं कि कोई अगर प्लांट है वो अपने पॉलिनेटर के बिना जी नहीं पाएगा, पॉलिनेशन नहीं होगी, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और फाइनली उसकी डेथ हो जाएगी। और पैरासाइट अपने होस्ट के बिना नहीं जी सकता, तो पैरासाइट और होस्ट का भी ऐसा ही जोड़ा बना हुआ है कि को एक्सटिंक्शन हो जाएगी। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हमें करनी है ऑब्वियसली, क्योंकि ह्यूमन बींग्स को भी नेचुरल इकोसिस्टम को स्टेबल रखना ज़रूरी है, तभी हमारी एनवायरनमेंट स्टेबल रहेगी, तभी ह्यूमन रेस सर्वाइव कर पाएगी। तो इसके लिए हमें 3 तरह का आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है। नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट का मतलब है कि हमें नेचुरल इकोसिस्टम से इतना फ़ायदा मिलता है, बायोडाइवर्सिटी से हम इतनी सारी रिसोर्सेज ऑब्टेन करते हैं, फूड, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कि हमें इनको बचाना चाहिए। मेडिसिन्स भी इन प्लांट्स से ही बनती हैं,
प्लांट प्रोडक्ट से बनती है, 25,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स में मेडिसिनल वैल्यू है। तो एक आर्ग्यूमेंट तो ये है कि यार ये हमारे काम के हैं तो हमें इन्हें बचा लेना चाहिए। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है जो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन कहलाता है कि बहुत सारी इकोसिस्टम सर्विसेज इनसे हमें मिल जाती हैं, यानी अगर हम पॉलिनेशन करना चाहें अपने आप बिना किसी इंसेक्ट की मदद से तो हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है, इंसेक्ट्स को बचाना ज़रूरी है। ऑक्सीजन अगर हम खुद बनाना चाहें तो प्लांट्स के बिना उतना ऑक्सीजन तो इवॉल्व नहीं कर पाएंगे कि सारे एनिमल्स को सस्टेन किया जा सके। जैसे अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं, क्यों? अकेला ये अर्थ का 20% ऑक्सीजन बनाता है। और फाइनली एथिकल आर्ग्यूमेंट आ जाता है जो कहता है कि हर स्पीशीज की अपनी एक इनहेरेंट वैल्यू है और उनको प्रोटेक्ट करना, उनके साथ कोएग्जिस्ट करना हमारी ड्यूटी है, इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे। मॉरल ड्यूटी वाला आर्ग्यूमेंट एथिकल आर्ग्यूमेंट होता है। तो अब बायोडाइवर्सिटी को बचाना तो है, इसके लिए भी हम दो अप्रोच ले सकते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन, यानी हम स्पीशीज को उनके प्रिस्टीन एनवायरमेंट में रखते हुए उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाले बिना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स उनके नेचुरल इकोसिस्टम में, नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब इसका एग्जाम्पल है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों ही गवर्नमेंट के द्वारा लीगली प्रोटेक्टेड फॉरेस्टेड एरियाज होते हैं जहाँ पर कोई फ्लोरा एंड फौना को हार्म नहीं कर पाएगा। इसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व भी इसी तरह का लीगली प्रोटेक्टेड एरिया है। बायोस्फीयर रिजर्व भी इन सिटू कंजर्वेशन में आ जाएगा। और सेक्रेड ग्रोव्स, यानी जो लोकल लोगों ने ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट को सेट असाइड किया हुआ है, उनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दी हुई है, ये सेक्रेड ग्रोव कहलाते हैं, जो कि हमें मेघालय में खासी एंड जयंतिया हिल्स, राजस्थान में अरावली हिल्स, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट्स और मध्य प्रदेश में भी कुछ एरियाज में मिल जाएंगे। तो हमारी एनसीईआरटी बुक कहती है कि इंडिया में टोटल 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 90 नेशनल पार्क और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। हालांकि अब ये नंबर बढ़ चुका होगा, लेकिन हम इसी हिसाब से चलेंगे। दूसरी अप्रोच हम ले सकते हैं एक्सिटू कंजर्वेशन की, यानी किसी को अगर हमें बचाना है, कंजर्व करना है, तो उसके नेचुरल हैबिटेट से निकालकर उसको बाहर ले आए, जैसे कि जूलॉजिकल पार्क में हम देखते हैं, जू के अंदर, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क के अंदर, बोटानिकल गार्डन के अंदर, ये सारे ही एग्जाम्पल्स एक्सिटू कंजर्वेशन के हैं। जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, और ये सारे एग्जाम्पल्स हमें याद भी रखने हैं, क्योंकि ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है कि हमें कुछ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के मेथड की लिस्ट दी है ऑप्शंस में, और उसमें से कौन सा इन सिटू है, कौन सा एक्सिटू है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। अब इसके लिए, बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए, साइंटिस्ट ने कुछ हॉटस्पॉट्स बनाए हैं, कुछ ऐसी जगह डिसाइड की हैं जहाँ पर स्पीशीज रिचनेस भी खूब ज़्यादा है और एंडेमिज्म का लेवल भी खूब ज़्यादा है, यानी बहुत सारी यूनिक स्पीशीज वहाँ पाई जाती हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। और इस तरह से हमारे पास दुनिया में टोटल 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बने हुए हैं। पहले 25 थे, उसमें 9 और ऐड कर दिए गए तो टोटल 34 हो गए। और यहाँ पर अपनी कंजर्वेशन की सारी रिसोर्सेज अगर हम सिंसेयरली लगाएंगे तो काफ़ी हद तक बायोडाइवर्सिटी के लॉस को स्लो डाउन कर सकते हैं। ये टोटल 34 हॉटस्पॉट्स में से 3 इंडिया के एरिया से भी ओवरलैप करते हैं, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय। तो ये हम याद रखेंगे कि दुनिया में टोटल 34 थे, उसमें से 3 इंडिया के साथ कोइंसाइड कर गए, तो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के बारे में इससे हमें पता लगता है। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स भी साइन किए गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी किसी एक कंट्री की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो रियो डी जनेरो का जो अर्थ समिट था 1992 का, ये बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए, इसके सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन के लिए हुआ था। और जोहानसबर्ग का वर्ल्ड समिट 2002 का, यहाँ पर भी 190 कंट्रीज ने बायोडाइवर्सिटी लॉस को रिड्यूस करने के लिए प्लेज किया था। तो ये हमारा बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर यहाँ पर रिवाइज हो गया है काफ़ी शॉर्ट में। अगर इसी तरीके से दूसरे चैप्टर्स का भी क्विक रिविजन आप हमारे की नोट से करना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।